हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने सस्ता घर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सस्ता घर आपके लिए 135 गज का 3 BHK स्पेसिस फ्लैट लेकर आया, वो भी 3 वॉशरूम के साथ। आपकी बहुत दिन से क्वेरी भी आ रही थी, कोई 3 वॉशरूम के साथ फ्लैट हमें दिखाइए, तो आपको इस क्वेरी को देखते हुए आज आपके लिए 135 गज का 3 वॉशरूम के साथ 3 BHK फ्लैट लेकर आए हैं। दोस्तों इस प्रॉपर्टी में अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर PM उदय के तहत रजिस्ट्रिया हो रही है, तो इजिली फाइनेंस भी आपको मिल जाएगा और दोस्तों बहुत ही अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेट्रो से कनेक्टिविटी, क्या कनेक्टिविटी है और क्या आपका डिस्टेंस है मेट्रो से राजपुर एक्सटेंशन का, किस तरह की आपको मार्केट मिल जाती है। तो आज सारी चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। अब करते हैं अपनी वीडियो का सफर स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी छतरपुर मेट्रो के आगे खड़ा हुआ हूँ। अभी CDR चौक, मेरे सामने CDR चौक है, यहाँ से आप राइट जाएंगे तो आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से गुड़गांव 6 किलोमीटर की दूरी पर स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट की तरफ जो रोड जा रहा है ये मेहरौली की तरफ रोड जा रहा है, तो यहाँ से आप मेहरौली की रोड के जाके MB रोड को कनेक्ट करता है, तो आप इजीली यहाँ से मदरपुर भी जा सकते हैं। सामने रोड जो हम जा रहे हैं ये आपका रोड छतरपुर मंदिर होते हुए, तिवोली गार्डन होते हुए, ये आपका राजपुर एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है। यहाँ से अगर राजपुर एक्सटेंशन की दूरी की बात करें तो अप्रॉक्स 2.5 से 3 किलोमीटर। और आज मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कहाँ पर सिल्वर लाइन का मेट्रो स्टेशन आने वाला है, जो छतरपुर मंदिर के ऊपर आने वाला है। दोस्तों लेफ्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो, ई रिक्शा मिल जाते हैं, बसेस मिल जाती हैं जो आपको राजपुर एक्सटेंशन तक ड्रॉप कर देती हैं। वहाँ से भी आपको अपनी प्रॉपर्टी तक के लिए शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएंगे, तो आप इजीली अपनी प्रॉपर्टी पर पहुँच सकते हैं। चाहे आप गुड़गांव जॉब कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली जॉब कर रहे हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। येलो लाइन आपको मिल रही है, इसके थ्रू आप नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। आपको सिल्वर लाइन की मेट्रो भी मिलने वाली है आने वाले 1-2 साल के अंदर, तो आप इजीली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी मेट्रो के थ्रू जा पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैं छतरपुर मंदिर के सामने आ चुका हूँ। यहाँ से अप्रॉक्स 50 मीटर की दूरी पर आपका सिल्वर लाइन का मेट्रो स्टेशन आ रहा है, तो समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी राजपुर से मेट्रो की दूरी अप्रॉक्स 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं वॉक करके भी आप मेट्रो तक आ सकते हैं, तो इजीली मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। यहाँ से गुड़गांव काफ़ी नियर बाई है, तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं पूरा छतरपुर मंदिर है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है, ये ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं, तो बहुत ही फेमस ये मंदिर है, शक्तिपीठों में से आता है। और दोस्तों लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है, यहाँ पर सिल्वर लाइन का मेट्रो आने वाला है जो छतरपुर मंदिर के नाम से आने वाला है। और दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का मेट्रो मिलने वाला है, तो आप 500 मीटर दूरी पर आप जाकर वो मेट्रो भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से मेट्रो पकड़ के आप येलो लाइन पर आ सकते हैं, अपना टाइम और बचा सकते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये छतरपुर की मार्केट है, ये बात करें तो अब हमारे जो प्रॉपर्टी है उससे अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर पहली मार्केट पड़ जाती है। यहाँ पर सारी आपकी जो डेली नीड्स की चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं सामने जो खड़ा हुआ हूँ, तिवोली आपकी रेड लाइट, तिवोली रेड लाइट पे खड़ा हुआ हूँ। उसके लेफ्ट में जो रास्ता आ रहा है वो सॉफुटा रोड से बोलते हैं, जो आपका MG रोड की तरफ से आ रहा है। कुतुबमीनार मेट्रो से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से शेयरिंग ऑटो, ई रिक्शा पकड़ के या आप बसेस पकड़ के आ सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी तक पहुँच सकते हैं। इस रोड पर पूरी मार्केट अवेलेबल है, फूड मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको ईजिली। तो यहाँ के आप अपनी ग्रॉसरी के आइटम खरीद सकते हैं और सारी मार्केट आपके आसपास ही अवेलेबल है। दोस्तों राजपुर एक्सटेंशन तक पहुंचने के लिए आपके 3 रास्ते हैं। आप चाहते हैं तो ये राजपुर खुर्द का रास्ता है जो गांव से होते हुए राजपुर एक्सटेंशन में जाता है, तो आप इस रोड से भी जा सकते हैं। आपका दूसरा रास्ता मिल जाता है DLF के अपोजिट साइड, जहाँ DLF के अपोजिट साइड आप उस रूट से भी जा सकते हैं, तो मैं आपको उसी रूट से लेकर चलता हूँ। तो DLF के अपोजिट साइड है, एक साइड आपका DLF फार्म हाउस है, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है क्योंकि एक तरफ पूरा फार्म हाउस एरिया है, तो काफ़ी अच्छा ग्रीन व्यू है, तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है छतरपुर का। जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारी सस्ता घर को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अगर वो छतरपुर विजिट करने नहीं आए थे वो विजिट करने ज़रूर आएँ। यहाँ काफ़ी अच्छे रेट में प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, और यहाँ पे अच्छी बात क्या है, प्लस पॉइंट बताऊँ, यहाँ पे 75% आपका फार्म हाउस एरिया है, इसमें अरावली हिल्स भी हैं आपका, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है जो लोगों को किसी और एरिया में नहीं मिल पाता दिल्ली के अंदर। तो यहाँ आप आके अपना घर प्लान कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी लोकेलिटी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। मेरे राइट में आप देख सकते हैं ये सारे बैंकेट हॉल बने हुए हैं, जहाँ पे देख सकते हैं, आपने सुना होगा कि छतरपुर बैंकेट हॉल के लिए फेमस है, यहाँ पे शादियाँ होती हैं, बड़े स्पेशियस यहाँ पे बैंकेट हॉल बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे लुक में बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इनकी। दोस्तों लेफ्ट में हमारा राजपुर एक्सटेंशन का एक एंटर कर चुके हैं, हम देख सकते हैं ये हरगोबिंद होते हुए आपका हमारी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है। यहाँ से अगर मैं प्रॉपर्टी की दूरी की बात करूँ तो अप्रॉक्स
200 से 300 मीटर की दूरी पर ही अपनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। यहाँ से भी आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं, ई रिक्शा मिल जाते हैं, वरना आप वॉक करके भी इजली अपनी प्रॉपर्टी तक पहुँच सकते हैं। इसके अंदर भी आपको ग्रॉसरी के लिए सारी शॉप्स मिल जाती हैं, चाहे आपको दूध लेना हो, चाहे आपको ब्रेड लेने हो, सारी चीज़ें आपको इजली अवेलेबल हो जाती हैं अपनी प्रॉपर्टी के आसपास ही। दोस्तों अब पूरी मैंने आपको कनेक्टिविटी बता दी है, कॉलोनी आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के घर यहाँ बने हुए हैं, लोकेलिटी किस तरह की आपको मिलती है, अच्छी लोकेलिटी है ये जो कॉलोनी है, ये काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, पास हो चुकी है, एप्रिसिएशन काफ़ी हाई है क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हो काफ़ी सी डेवलपमेंट आ रही है ना, ये है कि आपके समझ हेडक्वार्टर आ रहा है यहाँ पे, आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आ रही है, मेट्रो आ रही है, पीछे रोड आ रहा है जो आपका एमबी रोड को कनेक्ट करेगा तिवोली से, तो इजीली आप अपना एमबी रोड पे पहुँच सकते हैं। इस रोड को कनेक्ट ना करके आप पीछे से भी एमबी रोड इजीली पहुँच सकते हैं अप्रॉक्स 10 मिनट की ड्राइव पर। दोस्तों आप मिलेंगे अपनी प्रॉपर्टी के सामने, वहाँ जाके दिखाऊंगा बिल्डिंग का किस तरह का एलिवेशन है, किस तरह का फ्लैट है, फिर करेंगे फ्लैट की ब्रीफिंग। दोस्तों अब अपनी प्रॉपर्टी पे हम पहुँच चुके हैं, आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर सिर्फ बिल्डिंग के साइज़ की बात करें तो 550 गज की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर चार फ्लैट है, तो 135 गज का आपको अप्रॉक्स साइज मिलने वाला है फ्लैट का। बिल्डिंग के सामने देख सकते हैं आपको 25 फीट के रोड मिल रहे हैं, एक छोटा सा कंपाउंड है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, छोटी सी सोसाइटी है, इसके अंदर अप्रॉक्स 25 से 30 ही बिल्डिंग है, तो आपकी फैमिली काफ़ी सिक्योर काफ़ी सेफ है इस बिल्डिंग के अंदर। दोस्तों अब बिल्डिंग का एलिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको बताया बिल्डिंग का एलिवेशन बिल्डिंग की जान होता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एलिवेशन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर देख सकते हैं एल्युमिनियम की कंपोसाइट सीट का यूज़ किया हुआ है, इसमें वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे आपकी बारिश हो, ये आपको सीट ऐसी ही मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छा एलिवेशन आपको मिलने वाला है। एलिवेशन के ऊपर देख सकते हैं ऐसे इसमें ग्लास की रेलिंग आपको मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा एलिवेशन आपको मिल रहा है। इसके अंदर दो फ्लैट फ्रंट साइड में, अगर बिल्डिंग की फेसिंग की बात करें तो ईस्ट फेसिंग ये बिल्डिंग है। चलते हैं अपनी पार्किंग के अंदर, देखते हैं किस तरह की पार्किंग आपको मिल रही है। दोस्तों अब इस बिल्डिंग की पार्किंग में आ चुके हैं, पार्किंग दिल्ली का बहुत बड़ा इशू बन चुका है, लोग बिल्डिंगें बना देते हैं प्रॉपर पार्किंग नहीं बनाते, तो लोगों को गाड़ी जो अपने रोड पर पार्क करनी पड़ती है, इससे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि पार्किंग के अंदर कुछ नहीं बना रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर 20 फ्लैट हैं पर 20 से ज़्यादा कार पार्किंग आपको मिल रही है, पार्किंग की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छी हाइट आपको मिल रही है। अगर इसके ऊपर फ्लोरिंग की बात करूँ, अभी फ्लोरिंग नहीं लगी है, इसके ऊपर ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको मिलने वाली है जो काफ़ी हैवी स्टोन होता है, रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं, इजिली क्रैक नहीं होता, इसके ऊपर प्रॉपर PCC होगी, राफ डलेगी, देन उसके बाद आपका स्टोन लगेगा, तो काफ़ी अच्छी पार्किंग आपको मिलेगी और पार्किंग की आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब बिल्डिंग की स्टेयर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेयर से पहले लिफ्ट देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी 5 लिफ्ट आपको मिलेगी, ब्रांडेड मिलने वाली है, इसकी जो एंट्रेंस को भी क्लैडिंग करके देंगे, अच्छा इन्हेंस करके देंगे, तो काफ़ी अच्छी लिफ्ट भी आपको मिलेगी। स्टेयर्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फोकस किया है स्टेयर्स पे, बड़ी स्टेयर्स दी हैं। दोस्तों बिल्डिंग के अंदर मैं देखा छोटी स्टेयर्स बना देते हैं, जो क्लाइंट शिफ्ट होते हैं उनको अपना जो सामान मूव करने में शिफ्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो देख सकते हैं स्टेयर्स के ऊपर आपको बिल्कुल ईजिली अपना सामान मूव कर सकते हैं, आपको अपना सामान चढ़ाने में शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, आपकी वॉल पे भी स्क्रैच नहीं लगेंगे। आपने देखा होगा छोटे स्टेयर्स में क्या होता है, जब आप सामान चढ़ाते हैं तो वॉल पे स्क्रैच लग जाते हैं। बात करते हैं कॉमन एरिया में क्या मिलने वाला है, आपको कॉमन एरिया के अंदर आपको टेक्सचर मिलने वाला है, कहीं पर आपको एपेक्स पेंट भी मिलेगा, तो इस तरह का कॉमन एरिया में वर्क आपको मिलने वाला है। स्टेयर्स के ऊपर देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ राइजर दिए हुए हैं, अप्रॉक्स 6 इंची के राइजर और 11 इंची का स्टेप दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी स्टेयर्स आपको मिली है ग्रेनाइट की फ्लोरिंग के साथ। दोस्तों अपने फ्लैट के बारे में आ चुके हैं, एक फ्लोर पर चार फ्लैट हैं, उसके लिए काफ़ी बड़ा कॉरिडोर दिया हुआ है ग्रेनाइट की फ्लोरिंग के साथ, इसमें दो फ्लैट आपके फ्रंट साइड में, दो फ्लैट आपके बैक साइड में, इसका सैम्पल फ्लैट अभी रेडी हो रहा है, अभी थोड़ा काम बचा हुआ है, बस फ्लैट की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े साइज़ का फ्लैट इतने अच्छे प्राइस में नहीं मिल पाता, जब तक ये फ्लैट या ये बिल्डिंग कम्प्लीट होगी ये सारे फ्लैट सेल हो चुके होंगे, तो मैं चाहता हूँ जो मेरे फ्लैट अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बड़ा फ्लैट देख रहे हैं, तो ये फ्लैट उन्हीं दोस्तों के लिए है, तो लास्ट तक इस वीडियो से जरूर जुड़े रहें। अब चलते हैं फ्लैट के अंदर, करते हैं फ्लैट की स्पेसिफिकेशन, बताता हूँ किस तरह का फ्लैट है और किस तरह की फिटिंग के साथ आपको मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं अब डोर की स्पेसिफिकेशन की, देख सकते हैं 3.5 फीट बाई 8 फीट की आपको एंट्रेंस मिल रही है, वीनियर वर्क के फ्रेस करके दे रहे हैं, पॉलिश करके दे रहे हैं आपको, काफ़ी हैवी डोर फ्रेम दे रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिश वर्क आपको करके दे रहे हैं, मोल्डिंग लगा के दे रहे हैं, SS का लॉक आपको मिल रहा है और एंटर करती है आपको 17 फीट बाई 16 फीट का लिविंग स्पेस मिल जाता है, 2x4 की हाई ग्लॉस सतवारी टाइल के साथ, काफ़ी अच्छे ग्लॉस है इसका, ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग, काफ़ी अच्छी स्मूथ वॉल आपको मिल रही है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क किया हुआ है, देख सकते हैं इसमें अभी पेंट नहीं हुआ है, पेंट करेंगे तो और अच्छा ग्लॉस निकल के आएगा। इस फ्लैट लेने के और बहुत सारे फायदे हैं, अगर इस फ्लैट को अभी लेते हैं, इसमें इंटीरियर वर्क अभी चल रहा है तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, पेंट चेंज करा सकते हैं, लैमिनेट चेंज करा सकते हैं वार्डरोब की, तो अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। स्प्लिट AC का कंड्यूट आपको मिल रहा है, वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं ओपनेबल विंडो दी हुई है,
ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन, आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं, स्प्लिट भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसका कॉमन वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। कॉमन वॉशरूम अभी देखते थोड़ा गंदा है क्योंकि स्टोर बनाया हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या फिटिंग आपको मिलने वाली। देख सकते हैं आपको वॉल हैंग शीट मिल रही है, जैगवार का आपको कंसील टैंक मिल रहा है, इधर जैगवार का आपको स्पाउट, जैगवार का आपको डाइवर्टर, ऊपर देख सकते हैं आपको शावर मिल रहा है, इधर वैनिटी मिलने वाली है वेसन के साथ, तो काफ़ी अच्छी फिटिंग आपको मिलने वाली, सारी ब्रांडेड फिटिंग, और 2x4 की हैग्लो स्टाइल का यूज़ किया हुआ है, और ग्रूविंग के आधार दे रहे हैं, इसके अंदर अपॉक्सी करके देंगे तो इसके अंदर पानी भी नहीं जाएगा आपको, तो काफ़ी अच्छा टॉयलेट आपको मिल रहा है, ऊपर सरफेस लाइट आपको लगा के देंगे, वेंटिलेशन का ध्यान रखा क्या देख सकते हैं, ओपनिंग विंडो दी हुई है और ऊपर एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट दिया हुआ है। दोस्तों इस फ्लैट का लेआउट काफ़ी अच्छा है, फ्रंट काफ़ी अच्छा मिला है फ्लैट के लिए, देख सकते हैं दो बेडरूम फ्रंट में आ गए, एक किचन फ्रंट में आ गई है, काफ़ी बड़ी विंडो आपको मिल गई है, तो इस फ्लैट के अंदर सफोकेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल फेस करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि किचन जब अंदर की तरफ होती है तब कुछ घर के अंदर बनाते हैं तो एक सफोकेशन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये किचन जो आपकी फ्रंट फेसिंग की तरफ है, आप चाहते हैं तो यहाँ ओपनेबल विंडो कर सकते हैं, बड़ा एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, तो आपकी सफोकेशन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मार्बल लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लैमिनेट लगाई हुई है, नीचे भी आपको ग्रे कलर के लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, जितनी फिटिंग आपको मिल रही है सॉफ्ट क्लोजर हाइड्रोलिक्स फिटिंग के साथ आपको किचन डिलीवर कर रहे हैं। ऊपर काउंटर टॉप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का काउंटर टॉप आपको मिल रहा है, इसमें कटलरी, बोतल पुल आउट, थाली बास्केट, क्रॉकरी बास्केट आपको मिल रही है, सिंगल बाउसिंग का आपको मिल रही है, जैगवार का देख सकते हैं, वॉल मिक्सचर आपको मिल रहा है, और 2x4 की हाइग्लो स्टाइल का यूज़ किया हुआ देख सकते हैं, इसमें एलेक्सा वाइट टाइल लगाई हुई है, तो काफ़ी अच्छी किचन आपको मिल रही है और काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन के साथ आपको मिल रही है। दोस्तों इसका दो बेडरूम फ्रंट साइड में है, पहले मैं आपको बैक साइड वाला बेडरूम दिखा देता हूँ। दोस्तों ये अभी थोड़ा गंदा है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको इसको साइज़ बताना चाहता हूँ। इसके साइज़ की बात करें तो 12x10 दिया हुआ है, वेंटिलेशन के लिए ओपनेबल विंडो, ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन, स्प्लिट एसी का कंड्यूट भी दिया हुआ है, ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग, और 2x4 की हाई ग्लो स्टाइल का यूज़ किया हुआ है, सत्वर टाइल पूरे एंटायर फ्लोर के अंदर एक ही टाइल लगाई हुई है। ये देख सकते हैं आपकी बेड वाली वॉल है, ये आपको साइड में सिक्स सॉकेट मिल रहे हैं, जितने भी सिक्स सॉकेट है वो भी सारे ब्रांडेड आपको मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बेडरूम आपको मिल रहा है और बहुत अच्छी स्मूथ वॉल, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का वर्क किया हुआ है, आप चाहते हैं तो इसमें वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। एक वॉशरूम आपको मिल रहा है अटैच इसके साथ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी टाइल लगाई हुई है, इसके अंदर भी सेम जैगवार की फिटिंग, वॉल हैंग सीट, कंसील टैंक, डाइवर्टर, वैनिटी विद काउंटर टॉप, वॉश बेसिन, शावर आपको मिल रहा है और सरफेस लाइट आपको मिल रही है। दोस्तों अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का साइज की बात करें तो 12x11 सेम टाइल वर्क आपको मिल रहा है, ये स्थिति से सॉकेट और हिमार के साइड टेबल के, ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग, एक वार्डरोब आपको मिल रही है अप्रोक्स 4x8 की, ऊपर फॉल सीलिंग वर्क आपको मिल रहा है, कोफ में भी लाइट लगाएंगे और अच्छी इनहेंस करेगी आपकी फॉल सीलिंग। इधर देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आपको सारी UPVC विंडो मिल रही है, इसमें स्लाइडर डोर आपको मॉस्किटो का भी मिल रहा है, ग्लास का भी मिल रहा है, तो प्रॉपर आपको एयर तो मिलेगी, सनलाइट भी प्रॉपर आपको मिलने वाली है, और काफ़ी अच्छी इसकी लास्टिंग होती है। मैंने आपको बताया UPVC जो फ्रेम होता है वेदर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री होती है इसकी, कोई खर्चा नहीं होता। दोस्तों ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन भी दिया हुआ है और लाइट वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, ऊपर देख सकते हैं ऊपर लाइट वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल रही है। दोस्तों फ्रंट में बालकनी काफ़ी बड़ी मिल रही है, बालकनी की चौड़ाई 3 फीट दी हुई है बट इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, अगर लंबाई की बात करूँ तो अप्रॉक्स 25 से 27 फीट की बालकनी आपको मिल रही है, टाइल काफ़ी अच्छी लगाई हुई है, एलिवेशन के ऊपर देख सकते हैं SS की रेलिंग आपको मिल रही है और इसमें ग्लास आपको मिलने वाला है, और वॉशिंग एरिया आपके पीछे दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है तो पीछे भी वॉशिंग एरिया का आपको पॉइंट मिल रहा है। अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, तो थर्ड बेडरूम है। दोस्तों इसका ये मास्टर बेडरूम है, अगर इसके साइज़ की बात करें 16x12 इतने बड़े लिविंग स्पेस भी नहीं मिल पाते किसी फ्लैट के अंदर आपको, काफ़ी बड़ा बेडरूम आपको मिल रहा है, चाहते हैं तो इसमें काउंस लगा सकते हैं, उसे अपने तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, वॉलपेपर लगा के, वुड पैनलिंग करके और कुछ इसमें इंटीरियर वर्क के अंदर करके अपने इस बेडरूम को और अच्छा बना सकते हैं। एक स्विच सॉकेट दिया हुआ है साइड टेबल के लिए, ऊपर वर्टिकल कोफ के साथ फॉल सीलिंग, इधर एक वार्डरोब आपको मिल रही है अप्रोक्स 4x8 की, सामने आपको TV का पॉइंट दिया हुआ है, और दोस्तों इसके साथ अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी टाइल लगाई हुई है, इसमें टर्मेंटिनो टाइल का यूज़ किया हुआ है, देख सकते हैं सामने वैनिटी विद काउंटर टॉप वॉश बेसिन, बीच में आपको डाइवर्टर, स्पाउट, वॉल हैंग सीट, सिस्टर्न आपको मिल रहा है, ऊपर शावर आपको मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा टॉयलेट भी आपको मिल रहा है, वेंटिलेशन के लिए ऊपर देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको विंडो मिल रही है, आप चाहते हैं तो इसे ओपनेबल भी कर सकते हैं, स्लाइडर भी कर सकते हैं, इतनी ग्रूविंग दी हुई है इसमें आपका सिलिकॉन भर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसमें अपॉक्सी भी भरकर सॉरी इसमें अपॉक्सी आपको भरकर देंगे, तो काफ़ी अच्छी टाइल आपको लगने वाली है। दोस्तों
और वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया। इधर भी तरफ आप देख सकते हैं मॉस्किटो, आपको स्लाइडर मिल रहा है, ग्लास का स्लाइडर भी मिल रहा है। ऊपर विंडो एसी का प्रोविजन देख सकते हैं, ऊपर आपको एक विंडो भी मिल रही है फिक्स ग्लास, इसमें प्रॉपर आपको सनलाइट मिल सके, प्रॉपर एयर भी मिले उसका भी ध्यान रखा गया। मॉस्किटो की जाली आपको मिल रही है। इस बेडरूम से भी आप इजीली बालकनी में जा सकते हैं। तो फ्रंट के दोनों बेडरूम और किचन आपकी बालकनी से बिल्कुल कनेक्टेड है। दोस्तों पूरा फ्लैट तो आपने देख लिया होगा, बात करते हैं इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या एमिनिटीज आपको मिल रही हैं और क्या क्या गवर्नमेंट सुविधाएं आपको मिल रही हैं। दोस्तों अगर एमिनिटीज की बात करूं तो एक कार पार्किंग, ब्रांडेड लिफ्ट, कॉमन टेरिस आपको मिल रहा है जहां जाके वॉक कर सकते हैं, फैमिली का फंक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको सारी एमिनिटीज मिल रही है और सीसीटीवी कैमरे भी आपको दे रहे हैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। बात करते हैं गवर्नमेंट सुविधाएं की। दिल्ली एयरपोर्ट का पानी, बीएसएस की मीटर और आईजीएल की गैस पाइपलाइन आपको इजीली प्रोवाइड हो जाती है इस बिल्डिंग के अंदर। दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ जो कॉलोनी है पीएम मुद्रा के तहत पास हो चुकी है, इसके अंदर रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, इजली फाइनेंस भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों राजपुर एक्सटेंशन एक ऐसी कॉलोनी है जो छतरपुर के अंदर पहली कॉलोनी जो पास हो चुकी है, तो फ्यूचर एप्रिसिएशन काफ़ी हाई है इसका। इसके आसपास काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, एनआईए के हेडक्वार्टर आ रहे हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आ रही है, इग्नो पे आपका सिल्वर लाइन का मेट्रो स्टेशन आ रहा है। तो समझ सकते हैं अगर आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी हाई रेट में प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉलोनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, आसपास काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। पीछे एक रोड भी आ रहा है 100 फुटा जो आपका तिवोली रोड से जाकर और आपका इग्नो वाले रोड को कनेक्ट करेगा। तो इजीली एमबी रोड भी आप इग्नो वाले रोड से जा सकते हैं, तो आपको ये तिवोली रोड नहीं पकड़ना पड़ेगा, अपना टाइम बचा सकते हैं एमबी रोड से जाके। दोस्तों देर ना करें, अपनी विजिट आज ही रन करें और सस्ता घर को कॉल करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस की, क्योंकि टाइटल में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अगर दोस्तों प्राइस की बात करूँ तो 70 लाख इसका आस्किंग प्राइस है, जिसमें भी आपको फाइनेंस मिल जाता है इजीली। पीएम मुद्रा के तहत रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, एनबीएफसी हाउस कंपनी से आपको इजीली फाइनेंस हो जाता है। तो दोस्तों देर ना करें, एक बार विजिट करने आप जरूर आएँ, ऐसा ना हो इतना अच्छा स्पेसियस फ्लैट इतने कम प्राइस में आपके हाथ से निकल जाए। दोस्तों इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस लोकेशन के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी तो कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूँगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।